जंगल में 2 दिन से लगातार तेज बारिश शुरू है, जिन पंछियों के घोंसले कमजोर और बिना छत वाले हैं, उनके लिए बारिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन जिनके घोंसले अच्छे और छत वाले हैं, उनके लिए बारिश बहुत अच्छी है। माँ, यह बारिश कितनी अच्छी है, मुझे बारिश देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बारिश अपने जोरों पर थी, देखते ही देखते बारिश का पानी जंगल में जमा होने लगा। जैसे जैसे बारिश तेज होती गई, जंगल में पानी बढ़ने लगा और सभी पक्षियों अरे बाप रे, अब तो बारिश का पानी मेरे घोंसले तक आ गया, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा। जैसे ही चिड़िया घर से बाहर आती है, उसका घोंसला पानी में डूब जाता है। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी, मैंने जो घर में अनाज जमा करके रखा था वो भी अब खत्म होने आया है। तभी वहाँ पर मुनमुन कबूतर आ जाती है। अरे मुनमुन, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ कैसे? तुम्हें नहीं पता, अभी थोड़ी ही देर में जंगल में बहुत बड़ी बारिश आने वाली है और उसमें हमारे सभी के घोंसले डूब जाएंगे, इसलिए हमें किसी सुरक्षित जगह पर जाना पड़ेगा। तब तक हम सभी पक्षी वहीं रहेंगे, ठीक है ना? मुनमुन बहन, लेकिन मैं मेरे अंडे को छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? लेकिन अगर तुम अभी नहीं आई तो तुम इस बड़े तूफान में फंस जाओगी। ठीक है, तुम एक काम करो, इस अंडे को भी अपने साथ लेकर चलो। थोड़ी ही देर में लाड़ू को भी घोंसले में पानी जमा होने लगता है। अरे बाप रे, अब तो हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा। लाड़ू अपने अंडे को अपने पंजे में पकड़कर बाहर ले आती है। जैसे ही वह दोनों बाहर आते हैं, लाड़ू का घोंसला पानी में डूब जाता है। अरे बाप रे, अच्छा हुआ कि हम समय रहते घोंसले से बाहर आ गए। कालू कौवा भी अपने घोंसले से बाहर आ गया था। कालू कौवा उन दोनों के पास जा ही रहा होता है कि तभी वह देखता है कि मुनमुन चिड़िया का अंडा पानी में गिर गया है। तभी वह अंडा बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। वह उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होने के कारण वह अंडा बहुत दूर निकल जाता है और वह उसे नहीं बचा पाता। फिर वह वापस मुनमुन चिड़िया के पास चला जाता है। मुझे माफ़ कर दे लाड़ो, मैं तुम्हारे अंडे को नहीं बचा पाया। फिर सभी पक्षी जब तक बारिश रुकती है तब तक एक खंडर में छुप जाते हैं। धीरे धीरे बारिश का पानी कम होने लगता है। एक एक करके पक्षी जंगल में वापस आने लगे और अपना घोंसला बनाने में जुट गए। अरे मेरे बेटे, क्या हुआ? मम्मा, दूसरे जंगल से हमारे जंगल में एक पक्षी खेलने के लिए आता है और हम दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए थे, लेकिन कल खेलते खेलते उसने मुझे बहुत मारा। अरे रे रे, कौन ही वो बदमाश बादशाह जिसने मेरे लाडले बेटे को मारा? चलो मैं अभी उसे सबक सिखाती हूँ। नहीं मम्मा, वो मेरे साथ झगड़ा करके अपने जंगल में चला गया। दूसरे दिन वो बच्चा फिर से जंगल में खेलने के लिए आता है, लेकिन इस बार वह चक्कू की बजाय टुन्ना के साथ खेल रहा था। तभी वहाँ पर गोरी और चक्कू आ जाती है। मम्मा, यही है वो जिसने कल मेरे साथ झगड़ा किया था। क्यों रे बदमाश मेरे बेटे को मारता है? एक तो दूसरे जंगल से आता है और हमारे जंगल के बच्चे को मारता है। नहीं आंटी, मैंने आपके बच्चे को नहीं मारा, बल्कि उसने मुझे कल मारा था। ये देखिए, मेरे सिर पर चोट भी लग गई है। मम्मा, ये झूठ बोल रहा है, बल्कि इसने मुझे